उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक विजय कुमार ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को हिंदू पंचांग के आधार पर चंद्रमा की गतिविधि के हिसाब से तैनाती का आदेश दिया है। साथ ही लोगों को भी इस आधार पर सतर्क रहने की सलाह दी है। विजय कुमार ने पिछली 14 अगस्त को सभी वरिष्ठ पुलिस अफसरों को भेजे गए परिपत्र में कहा कि वो कैसे चंद्रमा की कलाओं के आधार पर तैनाती करें। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका हिंदू पंचांग है। उन्होंने अपने इस परिपत्र पर विस्तार से बात करते हुए सोमवार को जारी एक वीडियो में बताया कि हम लोगों को ये भी जानना जरूरी इसलिए है ताकि उन्हें पता रहे कि अपराधी किस वक्त अपनी गतिविधियां करते हैं। कुमार ने एक चार्ट के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि किस तारीख को चंद्रमा कितने बजे उगता है और अस्त होता है और रात कब आंशिक रूप से और कब बिल्कुल अंधेरी होती है। डीजीपी ने बताया कि 24 अगस्त को चांद शाम को 6 बजे से रात 12 बजे अस्त हो जाना है, यानी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अंधेरी रात होती है जिसमें अपराधी अपना काम करते हैं। ये इस बात को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें पुलिसिंग चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविधियों को संचालित करते हैं और पब्लिक के लोगों को ये जानना इसलिए आवश्यक है कि उनको ताकि पता रहे कि किस समय अपराधी अपनी गतिविधियाँ कारित करते हैं और इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम इस चार्ट के माध्यम से जिसमें कितने बजे किस तारीख को किस तिथि को चंद्रमा कितने बजे उगता है, कैसे वो कितने बजे अस्त होता है और रात कैसे अंधेरी पूरी अंधेरी होती है, पार आंशिक रूप से अंधेरी होती है और कैसे वो बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाता है रात में, उसी हिसाब से आप पब्लिक को भी जानना चाहिए ताकि वो सतर्क रहे और पुलिस को इसलिए जानना चाहिए कि पुलिस को उस समय अपनी गतिविधियां मैक्सिमम करना चाहिए। तो आइए हम लोग आते हैं अगस्त महीने में, पहली अगस्त को आप देख सकते हैं कि पहली अगस्त को पूर्णिमा पूरा चंद्रमा था और 6 बजे शाम को चंद्रमा उदय होता है और सुबह 6 बजे अस्त होता है, पूर्णिमा का दिन था। इसका मतलब यह हुआ कि ये काला हिस्सा है ये रात है और ये सफेद वाला हिस्सा दिन है। तो काले हिस्से में शाम को अगर चांद उदय होता है और सुबह अस्त होता है इसका मतलब रात भर उजाला बना रहता है। उसके 7 दिन बाद, पूर्णिमा के 7 दिन बाद आप देख सकते हैं कि आधा चंद्रमा 12 बजे के 12 बजे इस आधा चंद्रमा का उदय होता है और ये अस्त होता है दिन में 12 बजे और इसका मतलब सुबह फिर तो सुबह 6 बजे के बाद तो फिर रोशनी हो जाती है तो उस समय कोई प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 बजे 8 अगस्त को 6 बजे शाम से 12 बजे का जो विंडो है इस समय पूरा अंधेरा रहता है और अपराध इस समय सक्रियता से अपना काम कर सकते हैं अपराधी। इसके बाद 16 अगस्त को अमावस्या है का समय है, इसमें जो चंद्रमा का उदय है सुबह 6 बजे होता है और शाम को 6 बजे अस्त हो जाता है। इसका मतलब पूरी रात ना तो चांद होता है, अगर चांद निकलता भी तो अमावस का चांद था तो रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब 16 अगस्त को गुप्त अंधेरा रहता है रात में और इस समय पूरी रात अपराधियों के लिए बड़ी मुफीद होती है। इसी तरह से 24 अगस्त को आप देख सकते हैं कि शाम को चांद उदय होकर 12 बजे अस्त हो जाता है, 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अंधेरी रात आराम से मिल जाती है अपराधियों को और इसमें वो अपना कार्य करते हैं। और इसके बाद 31 अगस्त के आसपास पूरा चंद्रमा होता है जो शाम को उदय होता है और सुबह अस्त हो जाता है, रात भर उजाला बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णमासी के बाद जो सप्तमी आती है उससे लेके अमावस्या के बाद वाली जो सप्तमी है इसके बीच का जो विंडो है ये अपराधियों के लिए बड़ा उनके लिए उनको सूट करता है। तो इस बात को जानने के लिए आप आराम से जो है अपने जो हिंदू पंचांग है उसका ही प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिखाया गया है लेकिन हिंदू पंचांग आपको अमावस्या भी ये भी बताता है किस रात में अमावस्या है, कब सप्तमी है शुक्ल पक्ष की और कब कृष्ण पक्ष की सप्तमी है और उसी के बीच में आपको सतर्क रहना है, पुलिस वालों को विशेष रूप से और पब्लिक के लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि कब अपराधी ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो यही उद्देश्य था इस सर्कुलर का और ये पब्लिक के लिए भी उपयोगी है। मुझे लगता है कि हर आदमी को ये जानना चाहिए कि अपराध कब
वो उनके आसपास अपराधी गतिविधि कर सकते हैं और कब उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। धन्यवाद।